हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इसके वर्ल्ड पर। मेरे जितने भी नए यूज़र्स मेरे चैनल पर आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें और मेरे बेल आइकन पर क्लिक कर लें कि जिससे कि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो आज हम बात करेंगे फ्यूचर मेकर के बारे में। फ्यूचर मेकर एक कंपनी है जो इतनी बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसके जैसे कंपनी ना तो बनी है ना बनेगी। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में। आज सभी को अभी तक सबको पता चल चुका होगा कि क्या हो रहा है फ्यूचर मेकर के अंदर। तो जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ, तेलंगाना थाने में 3 केस लगे थे, 710, 541 और 768। ये 3 केस लगे थे जो हम सब ये तीनों केस में विजय पा चुके हैं। अब सिर्फ एक एक केस बचा है जो कि हमारे हैदराबाद हाई कोर्ट का है। अब इस यहाँ हमने अपनी स्टे पटिशन भी दे दी है और जल्दी मंजूर होकर हमारा केस ओके हो जाएगा। जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको कि कोई घबराने की बात नहीं है, जितने भी फ्यूचर मेकर के बंदे हैं उन सबको मैं बताना चाहता हूँ, धैर्य बनाए रखें, एकदम जल्दी नई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। क्योंकि ऐसा ऐसा नहीं है कि जैसा कि आप समझ रहे हैं, क्योंकि YouTube पर इतने नए नए वीडियो आ रहे हैं कि किसी को यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि ये बात सच है या झूठ है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बात बिल्कुल सच है कि आने वाली 20 से 25 तारीख तक राधे श्याम जी हमारे बीच में होंगे और जल्द से जल्द हमारा काम शुरू होगा। फ्यूचर मेकर कंपनी का नया सॉफ्टवेयर भी बन चुका है जिस पे जल्द से जल्द काम चालू हो जाएगा और जिन लोगों का अभी तक पे आउट नहीं मिला है उन सब लोगों का पे आउट 25 तारीख तक हो जाएगा। तो मैं तो आशा करता हूँ कि सबका पे आउट जल्द से जल्द उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए और कंपनी स्टार्ट हो जाए। जय भारत, जय फ्यूचर मेकर, जय हिंद।